हाय गाइस, तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम एक स्ट्रिंग के सारे परम्यूटेशंस कैसे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास में एक स्ट्रिंग है और हमको उसके कैरेक्टर्स को हर तरीके से अरेंज कर सुना है, जितने तरीकों से अरेंज हो सकता है उतने तरीकों से अरेंज कर। चलो तो फिर देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में स्ट्रिंग है ए बी और सी। ठीक है, ये हमारे पास में स्ट्रिंग है ए बी सी। तो हमको क्या करना है, इसके सारे परम्यूटेशंस निकालने। अब परम्यूटेशन मतलब मैंने क्या बताया था, अरेंजमेंट होता है। तो जितने तरीकों से हम एबीसी को अरेंज कर सकते हैं उतने तरीकों से हमको उसको अरेंज करना है। चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो अब देखते हैं, अब हमारे पास में तीन खाली डब्बे हैं। ठीक है, तीन खाली डब्बे हैं हमारे पास में। ए नाम की बॉल है, बी नाम की बॉल है और सी नाम की बॉल। ये तीन बॉल्स है हमारे पास में। ठीक है, तीन खाली डब्बे हैं। तो अब हमको सारे अरेंजमेंट देखने। तो अब आप सोचो, एक बार थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, आपके सामने तीन बॉक्सेस रखे हुए हैं, मैं आपको तीन बॉल देता हूं। चलो अभी के लिए तीन हटा देते हैं, दो ही रखते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करने के अंदर आसान रहेगा। दो ही रखते हैं बॉल्स। ठीक है, तो हमारे पास में दो बॉल्स ए और बी, हमारे पास दो बॉल्स हैं ए एंड बी। हमारे पास में तीन बॉक्सेस हैं और दो बॉल्स हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं आपको सारे सारे अरेंजमेंट बनाने हैं, तो आप कैसे करोगे? पहली बॉल को उठाया आपने, ए बॉल को उठाया और फर्स्ट बॉक्स में रख दिया। क्या करा, ए को उठाया और फर्स्ट बॉक्स में रख दिया। अब आपके पास में क्या चॉइसेस है बी के लिए? बी या तो दूसरे में आ सकता है या तीसरे में आ सकता है। ठीक है, तो क्या चीज बन रही है हमारी, हमने ए को रख दिया फर्स्ट में और बी के पास में अब हमारे पास क्या चॉइसेस है, या तो बी इधर आ जाएगा या फिर बी इधर आ जाएगा। तीन बॉक्सेस हैं, चलो ठीक है, इसी चीज को बोल लेते हैं। अब हमने ये तो जनरेट कर लिया। अब मान लो मेरी इच्छा हुई कि मैं ए जो है ना उसको सेकेंड में रखूंगा, ए को मेरे को फर्स्ट में नहीं रखना, मेरे को सेकेंड में रखना है, तो मैंने ए को इधर रख दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या क्या स्पेसेस हैं बी के लिए? बी या तो फर्स्ट में आ सकता है या लास्ट में आ सकता है, तो मैंने फर्स्ट में रखा इधर और लास्ट में रखा इधर। ठीक है, अब मेरी दोबारा इच्छा हुई कि मैं चलो ए को दूसरे में नहीं रख के तीसरे में रखता हूं, तो मैंने क्या करा, ए को तीसरे में रख दिया। अब मेरे पास क्या चॉइसेस है, या तो बी फर्स्ट में रख सकता हूं या फिर सेकंड में रख सकता हूं। तो आया ना समझ में, प्रैक्टिकली करा तो समझ में आया कि तीन बॉक्सेस हैं, ए को पहले में रख सकता हूं, बी को बाकी दो जगह पे, ए को दूसरे पे, बी को बाकी दो पे, ए को लास्ट में और बी को पहले दो पे। ठीक है, तो कितने केसेस बने, छह केसेस आए हमारे पास। ठीक है, और चेक कैसे करते हैं कि ये छह केसेस सही हैं या नहीं है? बेसिकली हमारे पास में दो डब्बे हैं, तीन डब्बे हैं, तीन बॉक्सेस हैं। ठीक है, तीन बॉक्सेस के अंदर से हमको कितने अरेंज करने हैं, हमको अरेंज करने हैं दो, तो 3P2। तीन बॉक्सेस के अंदर से हमको दो बॉल्स को अरेंज करना है, तो 3P2 इजी। तो इसका मतलब क्या होता है, 3 factorial upon 3 minus 2 factorial, मतलब 1 factorial। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 into 2 6। तो हाँ भाई, हमने जो केसेस निकाले हैं वो बिल्कुल सही हैं, 6 ही केसेस बनेंगे और 6 ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको कुछ ऐसे ही गिवन है, हमको दो बॉल्स मान लो या स्ट्रिंग मान लो उसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना उनको बॉल्स मान लो, और आपको मैं एक नई स्ट्रिंग बना के दूंगा उसी लेंथ की जो डब्बे मान लो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ। जैसे स्ट्रिंग मेरे पास है ए बी सी, इस बार ये स्ट्रिंग है, तो आप क्या करोगे, ए को बॉल मान लो, बी को बॉल मान लो, सी को बॉल मान लो। ठीक है, और मैं आपको एक और नई स्ट्रिंग बना के दे रहा हूँ जो हमको प्रिंट करानी है, और उसके अंदर अभी तीन खाली बॉक्सेस रखे हुए, ये बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। ठीक है, तो अब इन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये दो तरीकों से हो सकते हैं, दो तरीकों से। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि हम किसी भी परम्यूटेशन किसी भी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन को दो तरीकों से कर सकते हैं। कौन से दो तरीके थे, चलो एक बार देख लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं दो मेथड कौन से थे। तो इसी को लेकर चलते हैं, ए बी, ये हमारे पास में दो, मान लो एक स्ट्रिंग है, ए बी हमारे पास एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे भी ए बी हमारी एक स्ट्रिंग है। हम बात करें परम्यूटेशन की, मैं अभी कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम सिर्फ बात करेंगे परम्यूटेशन की। ठीक है, चलो तो देखते हैं, मेरे पास दो खाली बॉक्सेज है, ये एक खाली डब्बा, ये दूसरा खाली डब्बा, क्योंकि दो बॉल्स के लिए दो डब्बे जरूरी है, तो मैं अभी दो मिनिमम लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल आसान, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिनमें हम परम्यूटेशन बना सकते हैं। दो तरीके होते हैं ना, वो दो समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, एक बॉल है ए, दूसरी बॉल है बी, इसमें भी एक बॉल है ए, दूसरी बॉल है बी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है, अब तरीके बताओ हमको, तो तरीके देखने। तो पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है, इसमें मैं आपको लिख देता हूं, बॉल विल डिसाइड ऑन और इन,
डिसाइड इन विच बॉक्स टू गो, इन विच बॉक्स टू गो, बॉक्स टू गो, ठीक है। और इसके अंदर है बॉक्स विल डिसाइड, बॉक्स विल डिसाइड विच बॉल टू होल्ड, विच बॉल टू होल्ड। ओके, तो बात तो सेम ही है, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि बॉक्स को बॉल में रखो या बॉल को बॉक्स में रखो, बात एक ही है, पर तरीके डिफरेंट है। क्यों? यहां पे ए को, मैंने ए को चूज कर लिया, ए को चूज कर लिया, ठीक है। अब ए के बारे में बात करूंगा, मैं जो भी बात कर रहा हूं ए के बारे में कर रहा हूं अभी। तो ए के पास दो चॉइसेस है, क्या चॉइसेस है कि एक सेकंड में बॉक्सेस को नीचे ले आता हूं थोड़ा। तो ए के पास में दो चॉइसेस है, या तो वो इधर आ जाएगा, तो इधर आ गई तो क्या हो गया ए और ये खाली डब्बा, और इधर आ गई तो फिर ये खाली डब्बा और ये ए, ठीक है। ये ए के पास में चॉइसेस है, तो अब हमने ए के लिए काम कर लिया, कर दिया। अब बी के पास चॉइस आई, बी के पास चॉइस आई, तो बी चॉइस लेगा अपनी। तो अब बड़ा एग्जांपल नहीं लिया, इसलिए इसके अंदर तो खाली डब्बे ही जो बचे हैं, वहां पे बी आएगा। पर मान लो यहां पे ऐसा होता, ए खाली डब्बा, खाली डब्बा मान लो, तो फिर बी के पास फिर दो चॉइसेस होती, या तो वो इधर आता तो ये बन जाता ए बी खाली डब्बा, और इधर आता तो ए खाली डब्बा बी, ये बन जाता, ठीक है। पर इसके इसके अंदर हमने छोटा सा लिया है, तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, ये ऊपर गए और ए इधर हो गया, बी इधर आ गया, और ये ऊपर गया तो बी इधर आ गया और ए इधर आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, बॉल डिसाइड कर रही है कि मैं कहां जाऊंगी, ठीक है। चलो अब इस केस के अंदर क्या डिफरेंट है, इस केस में क्या डिफरेंट है, तो इसके अंदर बॉक्स डिसाइड कर रहा है कि मैं किसको लूंगा। तो इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं, ये बॉक्स बोलेगा, ये देखो ये ऐसा है, दोनों खाली है, बॉक्स वन के बारे में बात कर रहा हूं, बॉक्स वन बोलेगा मैं तो ए को लूंगा। तो भाई इसने ले लिया ए को, इसने जो बोला उसने कर दिया। अब इसका मन बदला, इसने बोला मैं बी को भी लूंगा, बी को भी नहीं लूंगा, बी को लूंगा, भी नहीं बोला मैंने, गलती से निकल गया, बी को लूंगा, ठीक है। तो ये बी को ले लिया, चलो। तो ये दो केसेस आ गए। अब इसके बाद में, अब बी का काम तो हो गया, इसका काम हो गया, इस ब्लॉक का काम हो गया, अब इस ब्लॉक की बारी आई। तो वही केस है कि जो खाली है वहां पे रखना पड़ेगा, ज्यादा होते तो फिर चॉइसेस बनती कि यहां पे इसको लूंगा, यहां पे इसको लूंगा, ठीक है। अभी तो बॉल ही सिर्फ बी बची है, तो बस क्या करना है, इस बॉक्स की बारी हुई, इसने बोला कि चलो मैं बॉल लेना चालू करता हूं, इसके पास मिली ही सिर्फ बी, तो इसने रखा ए को इधर, बी को इधर, और इधर बी तो रखा वही है और ए को इधर, ठीक है। अब देखो आप, ए बी, बी ए बी और बी, एग्जैक्टली सेम आंसर, एग्जैक्टली सेम आंसर, पर एक के अंदर बॉल डिसाइड कर रही है मैं कहां जाऊंगी, एक के अंदर कॉस देखो कैसी लग रही है, ए को हमने इधर रखा, ए को इधर रखा, इसके अंदर ए को इधर रखा और बी को इधर, ठीक है, ये कॉस का डिफरेंस है। तो यही चीज है, यही चीज है, हम इस वाले मेथड से करेंगे क्योंकि इससे आसान पड़ता है, हमारा जो सोल्यूशन है वो आसान पड़ेगा, समझने में भी आसान होगी, आसानी होगी कि भाई ये कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को अंदर पहले जो डब्बा है ना, हमारा डब्बा चूज कर रहा है मैं ए को लूंगा या बी को लूंगा, फिर जो खाली डब्बा है वो चूज कर रहा है मैं ए को लूंगा बी को लूंगा, तो ऐसे चलेगा हमारा, ठीक है। तो चलो अब हम आ जाते हैं हमारे सोल्यूशन के ऊपर, एक ले लेते हैं स्ट्रिंग, ले लेते हैं ए ए बी बी, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है तो हम ये स्ट्रिंग लेंगे, अच्छा इसके ऊपर अच्छा ड्राई रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब फोकस बनाए रखना, क्या करना है हमको, ये खाली डब्बे हैं, ये खाली डब्बे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, जो हमारी जो स्ट्रिंग्स है ना उसको हम अनऑर्डर्ड सेट में डाल रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर डाल रहे हैं, सॉरी मैप के अंदर डाल रहे हैं। उससे क्या होगा, हमको पता रहेगा कि कोई कैरेक्टर कितनी बार आया, पूरी स्ट्रिंग पे चलाएंगे तो टाइम वेस्ट और उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कैरेक्टर का पता लगा लेंगे कितनी फ्रीक्वेंसी बाकी है, कितनी बार आ चुका है। तो हम क्या बना रहे, कैरेक्टर और इंटीजर का अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे। यहाँ पे जैसे ए ए बी बी की बात कर रहे हैं ना, ए ए बी बी, तो हम ए को डालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी दो डालेंगे, बी को डालेंगे और दो डालेंगे, ठीक है। चलो तो शुरुआत के अंदर क्या था, शुरुआत में क्या था, इसकी वैल्यू थी ए टू बी टू, ठीक है, मैं नीचे लिख रहा हूं, समझ जाना आप, इस लेवल के लिए ये है ए टू बी टू, कि भाई ए भी दो पढ़े बी भी दो पढ़े। चलो चलो चालू करते हैं, इस बॉक्स के लिए आए, इस बॉक्स ने बोला मैं ए को लूंगा, ले ले ए को ले ले, ले लिया इसने ए को। अब इस बॉक्स ने बोला नहीं ए को नहीं लूंगा बी को लूंगा, तो इसने बी को ले लिया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा, हमारे पास में बचा ए वन और बी टू, इधर बी वन और ए टू, समझ गए ना, हमने एक बी लिया तो बी की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, एक ए लिया तो ए की फ्रीक्वेंसी कम कर दी, चलो मजा आया। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इस ये अभी इन बॉक्स के बारे में बात होगी, सेकंड बॉक्स की, ये बोलेगा मैं ए को लूंगा, तो इसने ले लिया ए को, ए ए डैश डैश, इसने बोला ए को नहीं लूंगा बी को लूंगा, ए बी डैश डैश, ऐसे ही इसने बोला मैं ए को लूंगा, तो बी ए डैश डैश,
और इसने बोला बी को लूंगा बी बी डैश डैश, ठीक है। तो अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या बाकी रह गई। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो हो गई जीरो और बी की बाकी है दो। इसने बोला ए की फ्रीक्वेंसी वन बी की वन, ए की वन बी की वन, ए की टू बी की जीरो। तो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, अब मेरे पास वो बॉल नहीं है, वो बॉल जो है ना वो बॉल खत्म हो गई, तो बॉल ए की बची है तो फिर चॉइस भी ए की बची, ठीक है ना। तो ये चीज बाकी आएगी अभी इन केसेस के अंदर। यहाँ पे ए नहीं है मेरे पास, ए नहीं है तो ए की चॉइस आएगी, बी ही डालना पड़ेगा, ए ए बी डैश। चलो अब इस डब्बे के पास चॉइस है, ए को भी ले सकता है बी को भी ले सकता है, तो इधर गया ए बी ए डैश और इधर गया ए बी डैश ए, ठीक है। ओ गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा पहले तो ए गया अब बी आया, ठीक है ना, आया ना समझ में। चलो इसके अंदर इस बॉक्स के बारे में बात करें, इस बॉक्स के बारे में ये बोल रहा है कि मैं ए को लूंगा, तो इसने ले लिया ए को बी ए ए डैश, इसने बोला मैं बी को लूंगा तो बी ए बी डैश, ठीक है। यहाँ पे तो चॉइस ही एक है, कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पे, तो बी बी ए डैश। अब आप देखो इनकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं एक बार, ए जीरो बी वन, यहाँ पे हो गया ए जीरो बी वन, यहाँ हो गया बी जीरो ए वन, यहाँ पे हो गया ए जीरो बी वन ए वन बी जीरो, इधर ए वन बी जीरो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी हुई, अब तो बस एक ही बॉक्स बाकी है और एक ही बॉल है, तो अब सब में एक एक कॉल जाएगी, ए ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए ए बी बी ए बी ए और बी बी ए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया, ये क्या बन गया हमारा आंसर बन गया, ये देखो सारे के सारे परम्यूटेशन जनरेट हो गए, ठीक है। चेक करना है चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे चेक करेंगे, जितनी कितनी हमारे पास में क्या स्ट्रिंग्स है, चार है हमारे पास में, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है चार, ठीक है। तो चेक इसके अंदर चेक करने में बढ़िया चीज आपको याद दिलाता हूं मैं, एक अच्छी चीज याद आएगी आपको, ठीक है। चार है हमारे पास में, चार कैरेक्टर, चार डब्बे, चार बॉल्स, कितने तरीके हो गए, फोर पी फोर, ठीक है। चार डब्बे चार बॉल फोर पी फोर, तो अब क्या करना है, फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर माइनस फोर, जीरो फैक्टोरियल मतलब वन, तो आंसर कितना आया, फोर इंटू थ्री इंटू टू, 24 आंसर आया भाई हमारा। गलत है ये आंसर, गलत है, लेकिन गलत तो नहीं है क्योंकि हमको आता तो इतना ही था, हमने कुछ गलत नहीं करा। 24 जो है ना ये अपनी जगह सही है, पर इसमें अपन ने क्या चीज नहीं बताई इसको, कि ए जो है ना वो दो बार रिपीट हो रहा है, ए दो बार रिपीट हो रहा है, और बी जो है ना बी ये भी दो बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम रिपीटेड वाली वैल्यूज लेते ना, रिपीटेड वैल्यूज अलाउड करते, तो फिर 24 केसेस बन जाते। लेकिन हमको क्या करना है, हमको सिर्फ वही केसेस चाहिए जो रिपीट नहीं हो रहे। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, हमने बचपन में पढ़ रखा है अगर केसेस रिपीट होते हैं ना, जैसे ए जो है वो दो बार रिपीट हो गया, तो जो आंसर है ना उसके अंदर डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल कर दो, पढ़ा था ये हमने। तो इस केस में क्या हो रहा है, ए दो बार हो रहा है बी भी दो बार हो रहा है, तो टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 24 डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, 24 डिवाइडेड बाय फोर, ये आ गया सिक्स। इस तरीके से हमारा जो आंसर है ना बिल्कुल सही है, यही है हमारा, यही है, ठीक है। तो चलते हैं, इनफ एक्सप्लेनेशन, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा क्या करना है। अब तो कोड आप खुद ही लिख सकते हो, ट्राई करना खुद से लिखने की। तो हम क्या करते हैं, फोर हम जो यूनिक स्ट्रिंग है हमारी उसके ऊपर ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। हमने एक यूनिक स्ट्रिंग ले रखी है ये, इसके ऊपर हम ट्रैवर्स करेंगे, ये हमको बता देगा कि ए और बी कितनी बार आया है। बेसिकली इसके अंदर ए और बी रखा हुआ है, ये जो स्ट्रिंग है ना इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ए और बी, ये दो चीजें रखी हुई है इसके अंदर। जब हम ए पे जाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे, क्या ये जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है तो ए को ले लेंगे। बी पे जाएंगे बी की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, जीरो से ज्यादा होगी तो बी को ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से काम चलेगा हमारा। तो चलो देखते हैं इसके ऊपर ट्रैवर्स करनी है, आई इज लेस देन यूनिक स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ठीक है। इसके ऊपर ट्रैवर्स करा और कैरेक्टर उठा लिया, कैरेक्टर एस टी आर आई पे रखा हुआ है। अब हम चेक करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, एफ मैप, ठीक है। अब हम कैसे चेक करते हैं कि उसके अंदर कितनी रखी हुई है, तो एफ मैप डेट एट, ठीक है, एट से हम चेक कर लेंगे एस टी आर आई। अगर ये बड़ा है जीरो से, दैट मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। जब बड़ी है तो हम उस कैरेक्टर को रखेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। तो एफ मैप डॉट एट एस टी आर आई, एस टी आर आई माइनस इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया और कॉल लगा दी फंक्शन को, जनरेट वर्ड्स सी एस,
करंट स्ट्रिंग हमने उसको एक से बढ़ा दिया, एक कैरेक्टर रख दिया उसको बढ़ा दिया टोटल स्ट्रिंग, उसके बाद में एफ मैप ऐसे कैसे पास हो गया, आंसर सो फार के अंदर हमने स्ट्रिंग को ऐड कर दिया, जो हमारा कैरेक्टर है ना उसको ऐड कर दिया, और यूनिक स्ट्रिंग ऐसा कैसे रहेगा उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बैक ट्रैक करते वक्त हमको उसकी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी पे उसको रखना पड़ेगा ताकि सारे कॉम्बिनेशन अच्छी तरह बन जाए, ठीक है। तो एफ मैप डॉट एच एस टी आर आई प्लस इक्वल्स टू वन, ठीक है। अब ये काम तो हो गया, अब हमको चलाना पड़ेगा कि अगर हमारी जो हमने सारी की सारी स्ट्रिंग रख ली, जितनी भी बॉल थी सारी बॉल खत्म हो गई, मतलब इफ सी एस जो है वो बड़ा हो गया टी एस से, सारी बॉल खत्म हो गई, सारी बॉल खत्म हो गई तो फिर क्या करना है, कुछ ही नहीं करना। सारी बॉल खत्म नहीं हुई, सारे बॉक्सेस ट्रेवर्स हो गए, मैं गलत बोल गया, सारे बॉक्सेस ट्रेवर्स हो गए हमारे, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है हमको, तो बस कुछ नहीं करना, सी आउट आंसर तो कार और लाइन चेंज कर देनी है, तो यहीं पे लाइन चेंज कर लेते हैं एंड एल, और उसके बाद में रिटर्न कर जाना है, ठीक है। तो उसको रन करके देखते हैं, छोटा सा कोड था बिल्कुल, कंपाइलेशन एरर आ रहा है, कहाँ आ रहा है देखते हैं, हाँ 14th लाइन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो एफ मैप एस टी आर आई स्ट्रिंग, या देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है, एफ मैप डॉट एट एस टी आर आई स्ट्रिंग, अच्छा यूनिक स्ट्रिंग है, एस टी आर नहीं है, यूनिक स्ट्रिंग आई, और फिर यहाँ नीचे भी चेंज आएगा, यहाँ पे यूनिक यू एन आई क्यू यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे भी वही चीज आएगी, हर जगह अपने को यूनिक स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसका नाम बड़ा है, दिक्कत आ रही है, यूनिक स्ट्रिंग और यहाँ पे भी यूनिक स्ट्रिंग, ठीक है। देखते हैं एक बार रन करके, कहीं कुछ गलती होगी तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एम ए पी आएगा, अपन ए एम पी लगा रहे थे इसलिए गलती हो रही थी, ठीक है। तो अब एक्सेप्ट हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं, तो बेसिकली समझ आया होगा आपको डिफरेंस कि एक जगह हम क्या कर रहे हैं, एक जगह क्या कर रहे हैं, हमने कौन सा मेथड प्रिफर करा है। परम्यूटेशंस के अंदर हम डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, इसके अंदर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज समझ में आई होगी आपको, तो आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय।